आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। कलेक्टर ने बक्सोहा पहुंचकर ली आपदा प्रबंधक की बैठक। कलेक्टर सीलन साय की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन की बैठक में कोरोना से जंग कैसे जीती जाए इसको लेकर सभी से चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, व्यापारी एवं पत्रकार मौजूद रहे। सभी के सुझाव लिए गए, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई, जैसे दुकानदारों के लिए वैक्सीनेशन करवाएंगे उनको 7 दिवस का समय दें, वहीं सभी दुकानदार मास्क का खुद उपयोग करें और ग्राहकों को भी टोकें, साथ ही 5 माह का राशन गरीबों को मुफ्त मिलना और अगर इसमें कोई भी समिति प्रबंधक या राशन दुकानदार लापरवाही करता है तो कार्रवाई की जाएगी, साथ ही FIR की जाएगी। बैठक के बाद कलेक्टर सीएन सह ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता ना रही हो सुरक्षा तो मिले। आपने एक भी केस मुझे बता दिए कि जिसको मिलने में तकलीफ रही हो सदर पर, मुझे भर्ती रहा हो बाहर रहा हूँ उसने नहीं कर सकता, परंतु मैं सदर पर मिले की बात करूँ तो रहा है ना। तो ये सरकार ने सदर पर में किया है तो कहते हैं कि क्या बात है। दूसरा काम यह है, दूसरा है कि ऑक्सीजन उपलब्धता कई जगह जहाँ लोग सिलेंडर ढूंढते कर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, जिला अस्पताल में जहाँ कोरोना के मरीज थे वहाँ कभी भी एक भी मिनट के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। ये सरकार ने ही व्यवस्था की एक मिनट के लिए भी। जो चौथे पंचायत के मरीज थे, जो पल्मोनरी वार्ड के थे, जो दूसरी स्वास्थ्य की बात में ग्रसित थे, वो लोग ज़्यादा अपना ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन मिल रहे, तो वहाँ पर भी बात में बहुत बातचीत कर दिया गया। तो इसके अलावा कभी भी हमें डेली 400 बड़े सिलेंडर लगते थे, जो लोग होते हैं मैंने 2 कंटेनर दे दिए, मैंने 4 कंटेनर दे दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारा ICU का जो बेड था, एक बेड में 60 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन लगती थी, 2 कंटेनर है वो 10 लीटर होते थे, 6 गुना ज्यादा लगती थी, तो कुछ 6 कंटेनर एक मरीज को लगा दी तो वो काम कर सकता, वो भी नहीं कर पा। एक तो कोरोना के काल में जो आप सब लोगों ने और आपदा प्रबंधन समिति के लोगों ने सहयोग दिया उसको धन्यवाद देना था, तो सभी को धन्यवाद दिया। दूसरा, अभी जो वर्तमान में कोरोना से बचाव का जो तरीका है वैक्सीनेशन कराना, तो मैंने उन सभी जो देश का तरक्की चाहने वाले लोग हैं उनसे आह्वान किया है कि कोरोना महामारी को इस देश से भगाना है, हमारे समाज से भगाना है, क्योंकि कोरोना के कारण हमारा विकास अवरुद्ध है और उस विकास को तेज़ी से बढ़ाने के लिए कोरोना महामारी को हमें दूर हटाना होगा। दूर हटाने का तरीका एक है कि हमें कोरोना से बचाव के जो आचार व्यवहार हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हमारे घर हमारी जवाबदारी के तहत सारे युवाओं को, युवतियों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अपने अपने परिवार की रक्षा करें कोरोना से। रक्षा का एक दूसरा तरीका है कि टीकाकरण कराएं। ज़्यादातर लोगों का टीकाकरण हो जाएगा तो कोरोना से बचाव संभव है। टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है, तो वो उसके लिए भी सभी लोगों से अपील की है कि जो कोरोना के कारण हमारा विकास अवरुद्ध है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए सब लोग अपना अपना एक सच्चे भारतवासी होने के नाते योगदान दें, खुद का टीकाकरण कराएं, अपने परिवार के सदस्यों का टीकाकरण कराएं और सभी को प्रेरित करें कि जो आसपास के समाज के लोग हैं, दुकानदारों से भी मेरा अनुरोध है, दुकानदार भाइयों से, कि हमारी दुकान हमारी जवाबदारी, अपनी दुकान में बैठने वाले लोग खुद टीकाकरण कराएं, अपने परिवार के लोगों का टीकाकरण कराएं, मतलब हमारी दुकान सुरक्षित रहेगी, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे तो बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे, ये आह्वान किया। इसी तरीके से हमारा दफ्तर हमारी जवाबदारी के लिए भी बात की है जिससे कि लोग अपना जिम्मेदारी निभाएं। मैं आपके माध्यम से आप सभी से भी अनुरोध करूँगा कि आपकी सभी की, समाज की जितनी भी जिसकी ताकत है, इस कोरोना महामारी को जल्दी से जल्दी अपने समाज से दूर भगाएं जिससे कि हमारे विकास की गतिविधियाँ बहुत जल्दी प्रारंभ हो सकें और हमारे देश का जो विकास अवरुद्ध है वो तो तेज़ी से आगे बढ़ सके, शुरुआत हो सके। थैंक यू। आज अस्पताल का निरीक्षण इसलिए किया कि आगे अगर कोई जो तीसरी वेव्स की बात हो रही है तो ऑक्सीजन के पाइपलाइन कहाँ लगाई जा सकती है जिससे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा सके, उसके बारे में देखा है। क्योंकि स्पेस कम है, एक NRC बिल्डिंग है, तो मैं देखता हूँ कि अगर इसको रीलोकेट करना पड़े, NRC को कहीं और कर सकते हैं और जो बाकी व्यवस्थाएँ अभी हैं उसको कर सकते हैं तो करेंगे, परंतु ये निश्चित है कि 1-2 महीने के अंदर यहाँ पर 10 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड हॉस्पिटल तो बनाएंगे ही, 10 बेड का, और उसके लिए या तो इसी बिल्डिंग में नहीं होगा तो फिर कोई और आसपास गवर्नमेंट बिल्डिंग में उसको देखेंगे, वहाँ पर उसको बनाएंगे, बनाना तो है ही यहाँ।